हमले के लिए हमास बच्चों को ढाल बना रहा है, उन्हें विस्फोटक पहना रहा है, ये दावा किया है इजराइल ने। इजरायली रक्षा बल यानी IDF की विशेष लड़ाकू इंजीनियरिंग इकाई यहलोम यूनिट ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है। युद्ध क्षेत्र में विस्फोटकों और हथियारों को इकट्ठा करने के खतरनाक कार्यों में जुटी हुई यहलोम यूनिट का कहना है कि फिलिस्तीन समर्थक हमास लड़ाकों ने इजरायल पर हमला करने के लिए मासूम बच्चों को ढाल बनाया। बकौल IDF, हमास ने कई बर्बरतापूर्ण कार्य किए जिसके चलते इजरायली क्षेत्रों को बचे हुए आतंकवादियों, विस्फोटकों आदि से मुक्त कराने और साथ साथ मारे गए के शवों को इकट्ठा करने का काम कठिन और धीमा हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतकों के कुछ शव कथित तौर पर विस्फोटकों से ढके हुए थे। उदाहरण के लिए IDF ने एक बच्चे के स्कूल बैग की तस्वीरें जारी की जो इजरायली बलों को एक खेत में पड़ा हुआ मिला। हमास ने उस बच्चे के शरीर पर रिमोट सक्रिय लगभग 7 किलो का विस्फोटक बांधा हुआ था। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक हमास ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि उस बच्चे को बचाने की उम्मीद में कोई नेक इरादे वाला नागरिक उसकी मदद करे और वो भी विस्फोटक की चपेट में आए। इस बीच खबर आ रही है कि इसराइल के संस्कृति और खेल मंत्री मिकी जोहर ने राष्ट्रीय आपातकालीन प्राधिकरण और स्कूल एसोसिएशन सोसाइटी के माध्यम से शरणार्थियों के लिए आपातकालीन गतिविधियों के लिए लगभग 20 मिलियन शेकेल आवंटित किए हैं। इसमें से 15 मिलियन शेकेल यानी कि 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर पूरे देश में विशेष गतिविधियों और राष्ट्रीय आपातकालीन प्राधिकरण के माध्यम से कलाकारों को अधिकारियों से जोड़ने के लिए एक एजेंसी की स्थापना करने के लिए आवंटित किए गए हैं। मालूम हो कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध को पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। इस जंग के कारण पूरी दुनिया में अशांति फैल गई है। इजराइल और फिलिस्तीन की बेकसूर जनता मारी जा रही है। इजराइल और फिलिस्तीन समूह हमास के बीच युद्ध शनिवार को लगातार 16वें दिन भी जारी रहा। हमास के हमलों में 1,400 से ज्यादा इजरायली मारे गए जबकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायल की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 4,137 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास को खत्म करने की कसम खाने के बाद इजरायल गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 1,40,000 से ज्यादा घर गाजा में सभी घरों का लगभग 1/3 क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लगभग 13,000 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इजरायल गाजा पट्टी में घुसकर लगातार जमीनी हमले भी कर रहा है। वहीं हमलों के कारण गाजा में आम जिंदगियां डर के साए में हैं। ऐसे में फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाला ट्रक राफा सीमा पर खुलने के बाद शनिवार को मिस्र से गाजा पट्टी में प्रवेश कर गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।